मैं उन नेताओं में से नहीं, वो उछल कूद करते हैं, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ मिल करके उनकी बात को सुनना, उनकी बात को समझना, उनका समाधान की दृष्टि से काम करना। उससे पहले बहुत बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े लोग का ये होता है वो बड़े नेता, मैं अपने आपको बड़ा नहीं मानता। सचिवालय में हमने ऐसे देखा कि मुख्यमंत्री अंदर बैठक में व्यस्त हैं, चार चार घंटे से लोग कतार में खड़े थे, गैलरी जो है उस गैलरी में खड़े होते थे सड़क से होकर के, और एक बार नहीं अनेक बार मैंने देखा कि लोग खड़े खड़े गिर कर बेहोश हो गए। कोई रेडिया जाती है, उसका पति नहीं रहा, विडो हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए नौकरी देता कि हम बच्चों को पढ़ा सके, तो बहुत पीड़ा होती है, तो मैं सीएम रिलीफ फंड से मदद कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मंजिलें और भी हैं। मैं आज मेरे मेहमान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है, बहुत थैंक यू। पहली बात तो आपने एग्री किया इस इंटरव्यू के लिए। अगर आपको अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आपको क्या वर्ड आपके मन में आएगा? एक वर्ड में अगर अपने आप को डिस्क्राइब, जैसे मैं, जैसे मेरे बारे में कोई पूछता है कि अनुपम खेर को, एक तो मैं कहता हूँ ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी जी। कोई बोलता है मेहनती, कोई बोलता है कर्मठ, कोई बोलता है सोचने वाला, कोई बोलता है परेशान आत्मा, कोई बना अलग जी। तो आपके जहन में क्या वर्ड आता है अपने को लेकर? मैं तो एक सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई मेरे बारे में इस तरह का कि उम्मीद के साथ आगे बढ़ना, मैंने सुना बहुत निम्न वर्गीय परिवार से आप हैं मेरी तरह, और तो किसने, निम्न वर्गीय परिवार में किसने आपको ये होपफुल आशावादिता का लेसन सिखाया या कैसे आपके जहन में आया? देखिए, एक बात को लेकर के थोड़ा मेरा ये स्वभाव था, मैं बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति में रहा हूँ जहाँ चीज़ों को बहुत ख़ास तौर से गरीबी को करीब से देखने का मौका मिला, और उसमें भी ऐसा लगा कि गरीब होने के बावजूद भी लोग आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए एक आवश्यकता क्या है, वह है परिश्रम, वो है मेहनत, और मेहनत करके ही आगे आदमी बढ़ सकता है, ये एक भाव सदैव रहा, और उस भाव को लेकर के मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जो भी हासिल हुआ है वो भाग्य अपनी एक जगह है, लेकिन परिश्रम का बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहा है। पर ये भाव आपके अंदर डाला किसने? मतलब देखिए, एक तो आप 19-20 साल के हो जाएं तो आपको लगता है कि मैं इस जीवन में जिया हूं। जी, क्या आपके फादर भी होपफुल थे? बिकॉज जो मुझे, मेरे रिसर्च ने मुझे बताया कि आपके फादर मेसन थे, मिस्त्री थे, और फार्मर थे। जी, जी। मिस्त्री का बेटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा जी, और दोनों ने अपनी मेहनत से काफी आयाम स्थापित किए। तो इस वातावरण में आपने अपने एक्सपीरियंस से तो सीखा कि मुझे मेहनत करनी है, पर आप में ये बात आई कैसे? देखिए, स्वाभाविक रूप से परिवार का तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक रोल रहा है कि जब उम्मीद आदमी रखता है तो उस उम्मीद के अनुरूप जो आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है, और ऐसे में खासतौर से मेरे माता पिताजी बहुत ही गरीब परिवार से, गरीब बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी, लेकिन उसके बावजूद भी संघर्ष के साथ जिंदगी जीते थे, और एक उम्मीद के साथ कि भी चलो अच्छा हो जाएगा। बड़ी बात, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी होता था, लेकिन जब निराशा का एक माहौल होता था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद फिर हट फिर करके एक आशा की किरण कि भी नहीं चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश हुई इस तरह से। आप बता रहे थे कि माता पिता ने आपको ये आशावादिता दिया, तो ये क्योंकि मेरा ये शो हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करेगा जी, जीवनी पर आधारित है, आप एक उस मुकाम पे पहुँचे हैं अपनी मेहनत से, अपना अपने होपफुल एटीट्यूड से, तो आप थोड़ा डिस्क्राइब करिए आपके बचपन के का माहौल क्या था, आपकी दिनचर्या क्या थी, आपका घर कैसा था, आप क्या खाते थे, उसको डिस्क्राइब करिए। कहाँ आप सिराज के रहने वाले जी? देखिए, मैं अपने जीवन के बारे में उस बचपन के बात में अगर कहूँ, जब से मैं हमने समझा थोड़ा जो याददाश्त की जो चीज़ें हैं जहन में,
उनका मैं जिक्र करूं, एक तो ये होता था कि पिताजी घर से बाहर रहते थे जी, काम के लिए जाते थे और 15 दिन 20 दिन 10 दिन के बाद घर आना होता था उनका। अच्छा, क्या पहनते थे वो? बिल्कुल जो गांव का एक पहनावा होता है, कुर्ता पजामा वो पहनते थे, और उसके बाद सर्दी के मौसम में जो ऊन का कोट होता था वो तो हमेशा पहनते थे, और सिर पर टोपी पहनते थे जो हमारी पहाड़ी टोपी होती है, पहाड़ी टोपी जी, टोपी पहनते थे। और इन सारी चीज़ों को लेकर के वो जहाँ काम के लिए जाते थे, उसके बाद जब आते थे तो बहुत कम वक्त मिलता था उनके साथ इंटरेक्शन का। कौन कौन थे आपके परिवार में? मेरे पिताजी, माताजी और हम तीन भाई हैं, और मैं सबसे छोटा। आप सबसे छोटे हैं? हाँ। सबसे छोटा हूँ, और इसलिए मेरे ऊपर जो है वो ज्यादा जोर बड़ा काम नहीं होता था। हाँ। छोटा काम, बड़ा काम बड़े भाइयों के हाथ से हो जाता था, और लेकिन छोटे के लिए छोटा काम, जैसे खेत में गए तो जो हल्का काम जिसको मैं उठा सकता हूँ कर सकता हूँ, उस काम को दिया जाता था उस वक्त। और जैसे स्कूल से आने के बाद गांव में क्या होता था, पब्लिक टैप एक जगह होता था, घर में नल नहीं होता था, तो पानी मेरे वहां से थोड़ा सा दूर होता था, वहां के लिए जाना पड़ता। तो शाम को एक जिम्मेवारी निश्चित होती थी कि छोटे छोटे हमारे वो पानी के बर्तन थे, छोटी छोटी बाल्टी थी जिसको उठा करके पानी भर करके नलके से घर में लाना, लेकिन वो भी काम कठिन काम होता था। घर में बड़ा बर्तन होता था, उसमें पानी डाल के भर के रखना, फिर उसके बाद फिर जाना, फिर उसको ला करके भरना, तो ऐसा इस तरह के काम रहते थे। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, जब मैंने मैट्रिक की तो मैं 9 किलोमीटर जाता था पैदल, 9 किलोमीटर आता था, 18 किलोमीटर का सफर होता था मेरा एक दिन का आने जाने का स्कूल के लिए। और मैट्रिक का रिजल्ट आया तो पास हो गया मैं। फिर मैंने परिवार वालों के सामने एक विषय को कहा, मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा, तो कॉलेज जाना है, ये कैसे सोच लिया आपने कि हम ऐसे हालात में है ही नहीं कि हम आपको भेज सके? तो फिर कहा कि आपकी बात संभव नहीं है, तो इसलिए क्योंकि हमने जो है हमारा, क्योंकि एक कंबाइंड मकान था बड़ा, जिसमें चाचे ताए छह परिवार जो है, बहुत बड़ा घर था वो, तो पुराना था वो, तो उससे हट करके एक घर बनाने की पिताजी ने सोची। तो मकान बनाने के लिए उन्होंने कहा कि इस वक्त तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि कम से कम 1 साल 1.5 साल तो मकान बनाने में लगेगा, तो इसमें सबको काम करना पड़ेगा। तो ये सोच करके कि अब आपको कॉलेज नहीं भेज सकते हैं, तो मकान का काम शुरू किया। तो मकान के काम में सारी चीज़ें जो जरूरत की चीज़ें होती है, पत्थर ला करके लाना, ये करना वो करना, सारी चीज़ें वो, लकड़ी लाना, और उसके बाद जो हमारे साथ में काम करने वाले 3-4 लोग होते थे, वहाँ पर 5 लोग होते थे, लेबर वाले होते थे कभी कभी, तो उनके साथ भी हाथ बटाना, तो ये सारी चीज़ें करते करते मेरा 1 साल निकल गया। और 1 साल निकलने के बाद फिर दूसरे साल मैंने फिर कहा कि मैंने कॉलेज जाना, तो अब तो पढ़ा हूँ जो वो तो भूल गया, अब क्या करोगे 1 साल घर में रह करके। आप अकेले पहले मैट्रिक पास थे अपने? मैं अपने परिवार में। हाँ जी, हाँ जी, मेरे चाचा जी थे और उसके बाद मैं था, मैंने मैट्रिक। और कॉलेज कोई नहीं गया था? कॉलेज कोई नहीं गया था हमारे परिवार से, चाचा ताए वगैरह के इसमें से। आप क्यों जाना चाहते थे? तो ये एक भाव था कि मेरे साथ जो पढ़ने वाले थे, जिनके मेरे से भी कम नंबर थे, वो जाकर के कॉलेज में पढ़ने लगे, और आप उनसे, और जब हम उनको मिलते थे थोड़ा ऐसा महसूस होता था, और कई बार वो अच्छी तरह से बात भी नहीं करते थे कि हम कॉलेज चले गए हैं, और कई बार मिलते थे तो ऐसे निकल जाते थे सामने सामने से, तो मुझे लगता था कि भाई चलो कॉलेज में पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम कॉलेज में जाओ लेकिन कुछ काम करो साथ में, ताकि तुम्हारा खर्चा वहाँ निकल जाए, साथ में खर्चा निकल जाए, तो घर से खर्चे की गुंजाइश नहीं है, ऐसा कुछ सोचो। तो ये सोच करके मैंने कहा ठीक है, हम काम कुछ तलाश करेंगे वहाँ पर। तो वहाँ जा करके कुछ लोगों से हमारी बातचीत होने लगी कि भी क्या करना चाहिए। तो क्या हुआ कि एडमिशन इवनिंग कॉलेज में लिया, कि जिनके समय कहीं अगर काम मिल गया तो काम करेंगे, इस भाव के साथ इवनिंग कॉलेज में मैंने, उस वक्त पीयूसी होती थी, पीयूसी जी जी बिल्कुल। हाँ। तो जब वो सारी चीज़ें, लेकिन काम नहीं मिला, लेकिन वो भी स्थिति नहीं हो पाई, तो घर वालों ने मदद करते करते वो 1 साल तो निकाल दिया, लेकिन दूसरे साल कहा कि बस भाई अब तो हो गया, तेरे को काम तो मिला नहीं, तो इसलिए ये बेहतर है कि तुम छोड़ के आ जाओ, अपने बस का है नहीं ये सारा। तो बहुत ऐसी परिस्थिति ऐसी लगी मुझे, और उधर से पीयूसी का मेरा वो भी हो गया,
उसमें पास भी हो गया। अच्छा पास भी हो गया तो घर वालों को ऐसा लगा कि यार पास हो गया तो अब क्या सोचना चाहिए। तो तब जाकर के फिर मैंने फिर से कहा, मैंने कहा कि अब मुझे ग्रेजुएशन करने दीजिए। डिसीजन मेकर कौन था आप जब कहते हैं घर वालों में से, तो जिन कौन ऐसा शख्सियत थी जो डिसाइड करते थे कि आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? पिताजी थे या एक पूरी 5-6 लोगों की टीम बैठती थी? पूरा परिवार बैठता था, पूरा परिवार बैठता था, लेकिन अल्टीमेटली पिताजी का निर्णय होता था। ठीक है, तो बहुत इस तरह से फिर उसके बाद मेरी डे कॉलेज में एडमिशन हुई। तो डे कॉलेज में एडमिशन होने के साथ फिर कहाँ पे? आगे मंडी डिग्री मंडी कॉलेज मंडी हाँ में जी। तो इस प्रकार से शुरुआत हुई। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ऐसा दौर था जो कल्पना से परे है, जिसको मैं कह सकता हूँ काफी कठिनाई होती थी सारी चीजों में, लेकिन फिर भी उस दौर में निकल गए। तो जब तक आप कॉलेज पहुंचे मंडी डिग्री कॉलेज में, तब तक आप एक खास किस्म के इंसान बन चुके थे कि मेरी दिशा ये है कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन करना चाहते थे, आपके जहन में नहीं आया था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? ऐसे उस वक्त तो एक ही चीज को लेकर के कि मेरा ग्रेजुएशन हो जाए, पढ़ाई हो जाए, उसके बाद मैं एक काम करूं कि परिवार को थोड़ा मदद करूं, ये भाव था मेरे। अच्छा लेकिन अच्छा सर्कल हमको मिला क्योंकि हम कॉलेज में रहे तो एक्टिव रहे, हमारा पार्टिसिपेशन कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत होता था, डिबेट डेक्लेमेशन में उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन होता था। और फिर जब कॉलेज में मैं वहां पर गया फर्स्ट ईयर में, तो वहां पर कॉलेज में इलेक्शन लगे होते हैं, तो कॉलेज के इलेक्शन होते हैं, साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। तो बहुत दिलचस्प बात यह हुई कि हम मेरा एक साथी, उसने कहा कि इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ, तो उसका फॉर्म वगैरह भरा हमने, और फॉर्म भरने क्या के नाम था बाद उसका? उनका नाम अश्विनी सर, अश्विनी था, अच्छा अश्विनी करके, हाँ तो उनने कहा कि मेरा फॉर्म भर दो, और वो फॉर्म भर दिया। और उसके बाद मुझे कहा कि भाई कवरिंग कैंडिडेट के नाते कोई आदमी चाहिए, तो कवरिंग कैंडिडेट के नाते एक फॉर्म में, उसमें एक कॉलम होता था, उसमें मेरा उनने डाल दिया, नाम डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया, और इतना करके मेरे से साइन करा दिए। किसी टेक्निकल रीजन के कारण उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, अच्छा तो मुझे फिर सभी साथियों ने कवरिंग जो कैंडिडेट जो जो थे कवरिंग कैंडिडेट बोलते हैं उनका तो रिजेक्ट हो गया, जो कि चुनाव लड़ने वाले थे, अब आप चुनाव लड़िए। तब तक आपके जहन में तो बिल्कुल ऐसी तब बातें नहीं? बिल्कुल ही नहीं था। हाँ, हम साथी के नाते, मेरा विद्यार्थी परिषद के साथ संपर्क हो गया था, उन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना मिलना जुलना काम करना शुरू हो गया था थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था। तो वो जो नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया और मुझे कवरिंग कैंडिडेट होने के नाते जो है वहां पर चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैंने कहा कि बना तो मेरे पास पैसे हैं, इसमें पैसे लगते हैं भाई, तो हमने कहा कि पैसे की कोई जरूरत नहीं, सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। और उसके बाद कहा कि भी, मैंने कहा मेरे को जानता नहीं, मैं तो इवनिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ और डे कॉलेज में, तो मेरे को कोई जानता नहीं। वोट डालने वाले जो है इंग्लिश सब्जेक्ट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन था, तो कहा कि भी नहीं हम सब लोग करेंगे। तो क्या हुआ कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे थे? मैं एबीवीपी से। एबीवीपी से अच्छा था, तो दूसरा मेरे साथ जो NSOI, उसका नाम जय कुमार करके ऐसा था। तो हमारा क्या हो गया कि जो SFI और AISF वो तो पीछे रह गए, लेकिन मुकाबला NSOI के साथ हो गया, और हमारे वोट जो है वो बराबर हो गए। बहुत झगड़ा हो गया उस बात को लेकर के वहां दोनों को पर, बराबर वोट दोनों को पड़े। बराबर वोट हो गए, तो झगड़ा हो गया। तो इस बात को लेकर के हमारे प्रोफेसर होते तो आज रहे नहीं, वो प्रोफेसर कृपाल परमार, कृपाल ठाकुर थे। तो वो जब वो हमारा इलेक्शन का देख रहे थे, उसमें क्या होता था कि पर्ची दी जाती थी, उस पर्ची पर उनका साइन होता था, और जो कैंडिडेट होते तो ब्लैक बोर्ड पर उनका नाम लिखा होता था, रोल नंबर लिखा होता था। तो उसमें हमारा डिस्प्यूट, मैंने रिकाउंट मांगा कि एक वोट ऐसा था उस जिस कितने पर, कितने वोट पड़े थे? मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, 300 कुछ पड़े थे, अच्छा इतने थे वोट्स थे, तो वो कॉलेज बहुत बड़ा बहुत कॉलेज बड़ा है। कॉलेज। अच्छा तो क्या हुआ कि उसमें उसको काफी झगड़ा हो गया इस बात को लेकर के। तो उसमें बराबर वोट में एक प्रोविजन होता था कि जो उम्र में ज्यादा होता था उसको डिक्लेयर कर देते थे या टॉस करते थे। मैंने कहा टॉस तो भी हमें ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें तो भाग्य पर सारी चीज आ गई, लेकिन अब वो किसी के पक्ष में होगा। तो हमने रिकाउंट मांगा, तो उसमें झगड़ा हो गया, एक वोट का कंफ्लिक्ट आ गया, मतलब ये आ गया कि एक रोल नंबर और नाम पर ये आ गया, तो उसमें झगड़ा हुआ।
तो अल्टीमेटली सारा वहां से शुरुआत हुई और उसमें वहां से आपके पॉलिटिक्स की वहां की एक तरह की पॉलिटिक्स शुरुआत थी। पर ये क्या बात थी कि मतलब जिसकी उम्र ज्यादा होगी वो जिसको वो कॉलेज के उसमें उस वक्त के जो सीएसए के जो हमारे इलेक्शन संविधान टाइप्स थे जो उम्र में बड़ा उसको डिक्लेयर करेंगे ऐसा। पर उम्र में तो आपके वो बड़ा था, वो मेरे से 2 साल बड़े थे तो फिर वो तो नहीं डिक्लेयर हुआ, वो डिक्लेयर नहीं हुए उस तरह से, वो डिक्लेयर नहीं हुआ। फिर मुझे काउंट हुआ तो उसमें जो झगड़ा पड़ा वो बोर्ड का झगड़ा पड़ा हमारा, एक बोर्ड का, जिस बोर्ड पर कंफ्यूजन ये हुआ कि नाम जयकुमार था और ना रोल नंबर जो है मेरा था उसमें डाला हुआ, तो उस बात को लेकर झगड़ा हुआ, अल्टीमेटली बोर्ड रिजेक्ट हुआ। तो मतलब देखिए कि अगर उस इलेक्शन में एक भी वोट आगे पीछे हो जाता और आप शायद नहीं जीत पाते तो शायद आपका रुख कहीं और होता जी, है ना। फिर उसके बाद तो उसके बाद मेरा आप स्पीचेस क्या देते थे, आप स्पीचेस किस बारे में बात करते थे, आप तो स्टूडेंट लीडर। हम देखो हर इश्यूज पर होता था हाँ। आज क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, फीस हाइक हुई तो हम उस पर खड़े हो जाते थे कि ये नहीं होना चाहिए, गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा और ये गलत है, इसको वापिस लेना चाहिए, कम करना चाहिए, टीचर नहीं है तो उस बात को लेकर के। और नेशनल इश्यूज आते थे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इश्यू उस पर बहुत ज्यादा प्रोग्राम आते थे हमारे जी जी, तो उन पर बोलते थे और अपने आइडियोलॉजी पर पर्टिकुलरली उस पर बोलते थे। फिर वर्कशॉप होती थी, वर्कशॉप में काफी ज्यादा हमको बोलना, तो उसमें सब्जेक्ट पर बोलना पड़ता है, तो जो विषय पर आपको बोलने के लिए दिया गया समय निर्धारित होता था, इतने अंदर 40 मिनट के 35 मिनट का आपका संबोधन उस विषय पर होगा तो उस पर बोलना है आपको, तो उस विषय को अध्ययन करके स्टडी करके बोलना होता था, ये होता था। पर एक्सटेम्पोर एक्सटेम्पोर मतलब स्टडी कर लिया, समझ लिया और फिर एक्सटेम्पोर। उस जमाने में एज ए स्टूडेंट लीडर आपका रोल मॉडल कौन था पॉलिटिशियंस में? देखिए एक तो हमारे नड्डा जी तो हमारे थे ही, ये बहुत अच्छा स्पीच देते थे, ह्यूमरस स्पीच देते थे और मैं भी ह्यूमर इस्तेमाल कर स्पीच देता था बीच में बातों को जोड़ करके पर नेशनल लेवल पे नड्डा जी तो खुद उन दिनों हमारे विद्यार्थी परिषद में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो उस वक्त हमारे बहुत सीनियर लीडर होते थे, हरेंद्र पांडे जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे, वो बोलते थे जोरदार, उनका भाषण सुनने के लिए खूब लोग इकट्ठा होते थे। आपके पिताजी का क्या रिएक्शन होता था कि आप तो स्टूडेंट लीडर बन गए, आपको तो पढ़ने को बोला था जी वो बड़े दिलचस्प हुए, उनको पता नहीं लगा सारी चीज मैं क्या कर रहा हूँ, उनके हिसाब से तो मैं पढ़ रहा था हाँ। लेकिन पास होता जा रहा था। अच्छा, कुल मिलाकर के जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा कि भाई कि तुम थोड़ा समय देना चाहे दे सकते हो क्या पार्टी के लिए, संगठन के लिए, विचार के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर आखिरकार मुझसे धर्मशाला में हमारी एक वर्कशॉप थी तो रात को मुझे उठाया और कहा कि मुझे कन्विंस किया कि इसके बाद हम राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हमारी पटना में थी तो उस बैठक में जाएंगे तो वहाँ कुछ फैसला करेंगे, लेकिन आप समय देंगे? मैंने कहा दूंगा, मैंने हाँ कर दी 2 वर्ष के लिए। अब घर वालों को कैसे समझाना उनको मालूम नहीं था कि ऐसा घर छोड़ करके काम करने का बैकग्राउंड है ऐसा। तो क्या हुआ कि वहाँ पटना के पटना अधिवेशन में हमको घोषित कर दिया कि आपको पूर्णकालिक के नाते, मैंने आग्रह किया था कि मैं हिमाचल में काम करूँगा। अच्छा। लेकिन मुझे वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप जम्मू जाएंगे, तो अच्छा। पटना से सीधा ट्रेन लेकर के मुझे जम्मू भेज दिया। वाह। और मेरे साथ वो महेंद्र पांडे जी जो हमारे उस वक्त जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे, वो साथ में, ट्रेन का टिकट उन्होंने पहले ले रखा था, मुझे बताया भी नहीं तो कल सुबह ट्रेन है बोलते, तो कल सुबह ट्रेन में चढ़े और वहाँ से सीधा पटना से जम्मू पहुँचे। जम्मू पहुँच करके वहाँ कहा कि ये आपका परेड ग्राउंड में लेकर के कहा कि ये विद्यार्थी परिषद का कार्यालय हुआ करता था लेकिन पिछले 6-7 साल से बंद पड़ा है, तो खिड़की की तरफ देखा तो कोई शीशा था नहीं, उसमें सब टूटे हुए थे, तो मकड़ी के जाले और सारा कबूतर बहुत आराम से अंदर बाहर जाते थे उसमें। तो हम गए, हम कहे कि कैसे रहेंगे यहाँ पर, कैसे करेंगे, चलो बोलते शीशे वगैरह का कुछ इंतजाम करेंगे, कुछ लगाएंगे। अच्छा, मैं आपको रहने को बोल रहे थे? रहने के लिए जहाँ एक ही कमरा था, तो फिर ये इस तरह से आपको करना है, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक के लिए अपना संघ कार्यालय था वहां पर वीर भवन जम्मू में, तो वहां पर जाने कहा कि तब तक के लिए वहां रहिए आप। तो वहां रहे और दूसरे दिन
वो पांडे जी तो चले गए, उन्होंने वापिस अगले प्रवास पे जाना था, टूर पे जाना था, तो 50 रुपये जेब से निकाल करके मुझे दे दिए उन्होंने, और 50 रुपये दे करके। और आप जम्मू पहली बार गए? मैं जम्मू पहली बार गया, तो 50 रुपये दे करके वहाँ कहा कि भाई आगे का जो आगे की व्यवस्था जो है वो आपको हो जाएगी। अब क्या उम्र थी इस समय आपकी? उस वक्त तो मेरी उम्र मात्र 23 साल की थी, लगभग 23 साल। तो बहुत मुश्किल जैसे मुझे, मैं बहुत ज्यादा इंसिस्ट भी नहीं की, तो अल्टीमेटली वहां पर हमारे संगठन के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, उनकी दुकान थी, तो उनकी दुकान पर गए तो उनके पासपोर्ट में कह ही दिया रमेश जी थे, रमेश पापा जी। तो मैंने कहा पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तो उन्होंने 100 रुपये दिए मुझे, और 100 रुपये दे करके फिर मैं 3-4 दिन 5 दिन के बाद इंद्रेश जी आया, तब जा करके फिर उनसे मिलना हुआ उस सारी चीज। तो ऐसा एक शुरुआत वहां पर हुई। तो ये सब करते करते, और इस दौरान आपने घर वालों को चिट्ठी नहीं लिखी है कि आप घर वालों वहां से जम्मू चले? चिट्ठी लिखी, वहां चिट्ठी लिखी, तो यही मैं, मुझे मुश्किल हुई कि लिखूं क्या उसमें। तो मैंने कहा मैं ठीक ठाक हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ जम्मू आया हूँ, ऐसा कह करके कि मैं ठीक ठाक हूँ और आप ठीक ठाक रहिए और कुछ दिनों के बाद आऊंगा। घर में जब खबर, जब ये पड़ी कि लड़का चला गया, जम्मू चला गया, तो पूरे गांव में, रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना कि लड़का भाग गया, घर छोड़ रहा है, ऐसी बात है, घर छोड़ के भाग गया। क्योंकि उस काम को, हमारे इलाके में कोई भी आदमी ऐसा नहीं था कि संगठन के काम के लिए घर बार छोड़ करके निकलना, ये संगठन में इस तरह के काम करने की पद्धति की उनको जानकारी ही नहीं थी। तो उनको लगा कि घर छोड़ करके चला गया। अब मंडी, पहले मंडी होता था, चलो मंडी होता था, पढ़ने के लिए होता था, अब मंडी भी नहीं है, तो घर छोड़ के चला गया, भाग गया। तो कुछ वक्त तक, काफी लंबे समय तक यही विषय रहा, और मैंने बीच बीच में पत्र डालता रहा मैं इन सारी बात को लेकर के, इतने मैं ठीक हूँ, मैं थोड़े वक्त बाद आऊंगा, अरब हर चिट्ठी में ये लिखता था मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगा, तो ये सारी चीज चलती रही। लेकिन अल्टीमेटली परिवार वालों को मालूम पड़ा कि, और गुस्सा भी जाहिर किया उन्होंने, तो मैं लगभग लगभग वहां से कोई 7-8 महीने के बाद आया घर, 7-8 महीने, 7-8 महीने के लिए। और शाम को घर गया तो सारे परिवार के लोग बैठ गए और सब लोगों ने कहा कि तुमने ये क्या किया, तुमको मालूम है कि घर वालों को कितनी परेशानी हो रही है सारी इस बात से, सब गांव वाले रिश्तेदार सब के सब जो है थू थू कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि लड़का भाग गया, तो ये आपने पढ़ाई करके ये क्या किया आपने। तो उनने इस तरह से बहुत सारी बातें मेरे को सुनाई और कहा कि अब आप कठोर बातें थी, सख्त बातें थी बिल्कुल, अब आगे हैं। अब पिताजी से आपने कभी थप्पड़ खाया? थप्पड़ तो नहीं, डांट मारते थे आपके घर में अपने बड़े भाई ने, माताजी ने, किसी ने कभी नहीं, कभी ये पद्धति नहीं, मार वाला नहीं होता था, आपस में खेलते खेलते झगड़ते, नहीं नहीं, बट डांट नहीं कभी, लेकिन इस तरह से नहीं, डांट पड़ती, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने बहुत थप्पड़ मारे। अच्छा, और वो बिच्छू बूटी भी लगाती थी। अच्छा, जो पहाड़ में होती है ना बिच्छू बूटी, मुझे परसों ही बोल रही थी, आप जब बिच्छू बूटी को देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये हम तुमको लगाते थे। बट आप किसके ज्यादा करीब थे, माता जी के या पिता जी के, इमोशनली? इमोशनली माता जी बहुत इमोशनली अटैच थी, लेकिन पिताजी भी बहुत अच्छी तरह से ये करते थे, नाराज होते थे, लेकिन वो हालात की वजह से होते थे, परिस्थिति की वजह से, क्योंकि जिस चीज के लिए हम आग्रह करते थे वो उनके लिए वो कठिन होती थी, इसलिए उनको लगता था कि भाई ये जो आप कह रहे हैं ये चीजें सोची नहीं जा सकती हैं, करनी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ये बात रहती थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिताजी से क्या क्वालिटी इनहेरिट की अपने जीवन में, कि ये क्वालिटी मैंने पिताजी से आ गई है मुझ में या मैंने इनहेरिट की है? सबसे बड़ी बात धैर्य, धैर्य, पेशेंस। मेरे चाचे ताए 6 भाई, आपके पिताजी का नाम श्री जेठूरा? अच्छा, हाँ जी, धैर्य, आप धैर्य रखते थे, पेशेंस रखते थे, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी उनकी, बहुत बड़ी क्वालिटी, कम बोलते थे और धैर्य रखते थे। आपकी मुलाकात इस दौरान साधना जी से कब हुई, आपकी जो धर्म पत्नी? काफी बाद जब मैं वहां से वापिस आए, हम साधना भी विद्यार्थी परिषद में नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर थी और डॉक्टर, हाँ, उस वक्त की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। तो हुआ क्या कि जब मैं जम्मू कश्मीर में लगभग 4 वर्ष रहने के बाद जब वहां से वापिस आया, वापिस आने के बाद फिर एक विषय ये चल पड़ा, जैसे आते ही मुझे कहा गया कि भाई यहाँ
उस वक्त हमारी 93 में सरकारें चली गई थी, वो चार सरकारें राम मंदिर के, इसमें हिमाचल की सरकार भी उस पर गई थी। तो फिर उस वक्त दो लोग, मेरा और रणधीर जी का, वहां से वापिस आना जब तय हुआ, तो वापिस आने का निर्णय करते हुए तो मुझे उन्होंने कहा कि आप रहने वाले जहाँ के हैं उस क्षेत्र में हमारे लिए बहुत मुश्किल है, वो हम पार्टी वहाँ जीतती नहीं है, हमेशा जमानत जब्त होती है। मेरे से पहले वहाँ पर 737 वोट पड़े थे विधानसभा के इलेक्शन में, जो मेरी पार्टी का कैंडिडेट था। तो मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ने के लिए जो बात कही तो उसमें बड़ी दिलचस्प बात ये भी कही कि मुझे तैयार कर रहे थे, तो मैंने कहा इतनी जल्दी में होगा कैसे, मुझे कोई जानता नहीं, मैं तो कई सालों से बाहर हूँ। बोले ये चुनाव आपको जानने के लिए होगा। अच्छा। हाँ। और आपस में हंसते हंसते उन्होंने कहा कि जमानत आज तक बची नहीं, हो सकता आपकी भी जमानत चली जाए। तो फिर उसके बाद कितनी जमानत देनी होती है? जमानत के लिए उस वक्त जो वोट की जरूरत थी, लगभग जो वोट कास्ट होते थे उसमें से लगभग 5,000-5,500 वोट चाहिए थे। और जब चुनाव के लिए दौर आया तो उस वक्त पंडित सुखराम जी का नारा लगा मुख्यमंत्री का मंडी जिला से, जो मंडी जिला तो ये केंद्र में मंत्री थे। और इतना उस नारे का इम्पैक्ट हुआ कि मंडी की 10 में से 10 सीटें कांग्रेस जीत गई। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात एक थी कि भी मैं कम सबसे कम वोटों से हारने वाला था। अच्छा। हाँ जी, जमानत जब्त नहीं हुई? जमानत जब्त नहीं, मेरे अच्छा मुकाबला हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ मुकाबला हुआ और मुझे 8,000 वोट पड़े। और 8,000 वोट पड़ने के बाद फिर एक माहौल खड़ा हुआ कि अब यहाँ पर पार्टी खड़ी हो सकती है, और सबसे कम मंडी जिला में सबसे कम अंतर से आने वाला मैं था। आपको क्या लगता है कि वो 8,000 वोट आपको किस वजह से मिले? क्योंकि आप कह रहे हैं कि तो ऐसी आपने क्या बातें कही या क्या किया, आप आउटसाइडर भी थे। हाँ, तो कैसे आपको ये लोगों के बीच में गया? अच्छा। लोगों के बीच में गया और यूथ को कनेक्ट किया उस वक्त, यूथ को, तो यूथ ने बहुत एकदम सपोर्ट में खड़े हुए, जो खासतौर से जो स्कूल में पढ़ने वाला कॉलेज में पढ़ने वाला यूथ वो साथ आया, गांव का यूथ साथ आया और उसका एक बहुत बड़ा एक रहा। लेकिन जम्मू में जो उससे पहले जो महत्वपूर्ण चीज थी कि जब मैं वहां पर थोड़ा मुझे वक्त हुआ, मैं 89 में गया था, तो कश्मीर प्रॉब्लम बहुत क्लाइमेक्स पे हो गई थी तब। कश्मीर के पंडितों के ऊपर जुल्म शुरू हो गए थे, टारगेट किलिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी, और टीकालाल टपलू जी को मार दिया गया, और जो शायद मिलासा कौर जो उनकी भी हत्या हुई जो दूरदर्शन के डायरेक्टर थे उस वक्त, और इस तरह से काफी तेजी से वो क्रम चलता रहा, बढ़ता रहा। एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि पूरा कश्मीर के हिंदू वहां से एक्सोडस करके, यानी कि विस्थापित होकर के जो है वहां से निकल गए, रातों रात निकले। 19 जनवरी 1990। हाँ, 19 जनवरी 1990 की बात है एग्जैक्टली। तो वो एक सिचुएशन हमने देखी, वो बहुत, आप उस समय जम्मू में थे? उस वक्त में जम्मू में था, पर आप कश्मीर जाते थे कभी? गए कश्मीर जाना नहीं हो पाया था उससे पहले मेरा, उसके बाद गए, लेकिन वहां जम्मू में होते थे। तो हमारे लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है, तो मैंने वो पीड़ा बहुत करीबी से देखी। गीता भवन में उन लोगों के लिए सारी व्यवस्थाओं में हम सारी पूरी टीम बना करके, और कश्मीर का जम्मू का यूथ हमने सैकड़ों की संख्या में हमने इकट्ठा किया, जो इस सेवा के काम में लगे, खाना, ये कंबल लाना, ये देना, वो देना, सारी चीजें जो जरूरत की चीज है। तो जम्मू कश्मीर सहायता समिति संघ की ओर से बनी थी वहां पर उस वक्त, जिसने पूरे देश भर से सहयोग लिया, लेकिन उसका मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम आगे जो होता था वो काम हमारे जिम्मे दिया गया। तो जाकर के मुट्ठी में जो कैंप था उसमें जाकर के गीता भवन में वहां पर कैंप, जहां पे जो कैंप लगे थे इस तरह से, तो एक एक कैंप में कंबल देना, कंबल देने के साथ साथ में राशन देना, ये सारी चीजों का लेकर के हमने अपने आप जो यूथ की टीम ने काम किया। क्योंकि मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ और चूंकि मैं इस त्रासदी को जानता हूँ, बहुत सारे लोग कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद बोले, कुछ खास किस्म के लोग, कि ऐसा तो हुआ नहीं था, ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसको यूट्यूब पे दिखाना चाहिए। आप चूंकि वहाँ थे उस हालात में, उन कश्मीरी पंडितों के हालात, जो कि पूरी जिंदगी अच्छे वातावरण में रहे, अच्छे आबोहवा में रहे, उनके लिए टेंटों में रहना, जरा उनकी दशा थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? देखिए, ये सचमुच में बहुत खराब स्थिति थी, यानी कि वो आंखों से देखने की स्थिति में नहीं थी, तो यानी कि इस तरह की स्थिति थी।
हमने उस वक्त देखा कि जो बहुत साधन संपन्न थे, अच्छे घरों में रहते थे, अच्छे घरों में रह करके जीवन आनंद का, आराम का जिंदगी वो गुजार रहे थे, और ख़ास तौर से कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीरी पंडित वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो पढ़े लिखे साथ सरकारी सेवा में काफ़ी लोग हैं उनमें से, और जो कुछ भी उन्होंने कमाया था सब कुछ छोड़ करके आ गए, तो उसकी पीड़ा उनको बहुत बड़ी पीड़ा थी उस वक्त। और जहां अच्छा घर था वहां सारा का सारा परिवार, 8 परिवार के सदस्य एक टेंट में रह रहे थे। टॉयलेट की सुविधा उस वक्त वहां पर जो है वो सारी चीजें अरेंज करनी पड़ी, जो एक बहुत बड़ी एक पीड़ा, मतलब मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं, बहुत। और खराब सिचुएशन ये होती थी जब राशन हम वहाँ पर ले जाते थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग लोग जो है वो झोला लेकर के जब वहाँ पर आते थे तो वो एक बहुत पीड़ा का होता था, आंखों में आंसू होते थे कि हमने आज तक जो है इस तरह से ना मांगा, हम तो देते ही रहे, कुछ जो दे सकते थे वो देते रहे, आज हालात ऐसे आ गए हमारे सामने कि जहाँ हमको हाथ फैला करके मांगना पड़ रहा है, तो वो एक बहुत पीड़ा का एक दौर था, बहुत खराब सिचुएशन, जिसको सड़कों के मतलब उसमें भी हमको काफी अरसा लग गया उनको टेंटेड अकोमोडेशन देने में, बहुत सारे लोग तो सड़कों पर ही सो गए कुछ वक्त के लिए, हफ्ता 10 दिन तक, हमने 15 दिन तक, तो ये सिचुएशन रही कि जो जहाँ जिसको जगह मिलती थी सोने के लिए कॉलेज के इसमें कैंपस में कमरों में, जो जम्मू का गीता भवन तो पूरा भरा ही होता था, एक मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर, तो उस मंदिर में भी हमने देखा उस प्रमिसेज में बस जहां जगह, हालात देख के आपको गुस्सा आता था या दया आती थी या क्या महसूस होता था? बहुत दया आती थी, पूरा देश भर का, दुनिया भर का मीडिया वहां पर उस वक्त था, लेकिन सब जो दृश्य जो था वो बहुत पीड़ादायक था, बहुत पीड़ादायक था, अपने देश के नागरिक सब कुछ होने के बावजूद भी अपने गली में और सड़कों पर आकर के अपना जीवन बसर कर रहे हैं, तो वो एक बहुत खराब सिचुएशन थी, बहुत खराब थी। छोटे छोटे बच्चे, सर्दी का मौसम और ठिठुर रहे हैं, उनको माँ अपने बाजू में लेकर के अपने जो वहाँ पर फेरन पहनते हैं उससे ओढ़ करके जिस तरह से सर्दी में बचा सकते हैं, वो खराब सिचुएशन, मतलब जिसको कह सकते हैं बहुत बुरी सिचुएशन, मतलब जिसका बयान नहीं कर सकते। आपने अपना पहला इलेक्शन कब जीता? 93 का चुनाव, तो मैंने कहा कि वो चुनाव हम हारे, लेकिन 93 के बाद 98 में इलेक्शन जब हुआ। आपका ब्याह हो चुका था 98 में? नहीं, मेरा शादी मेरी 95 में हुई, तो उसके बाद फिर लगातार इस बात को लेकर के हम उस टॉपिक से निकल गए, सॉरी, मैं वापस जाना चाहूंगा साधना जी की मुलाकात से, हम थोड़ा और आगे चले गए, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज शी इज अ वेरी डायनामिक लेडी एंड मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, तो हमारे दर्शक शायद चाहेंगे कि वो मुलाकात अरेंज मैरिज थी आपकी या क्या अरेंज मैरिज? वो एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मैं चुनाव लड़ लिया, चुनाव लड़ने के बाद चुनाव हार गया, अब घर वालों ने कहा कि तुमने जो भी काम किया सीधा तो किया नहीं, उल्टा ही किया, अब कम से कम तुम शादी कर लो। तो शादी के लिए सबसे बड़ी प्रश्न तो एक ही खड़ा होता है कि लड़का करता क्या करता क्या है, तो स्वाभाविक रूप से तो करता तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं। तो ऐसे विषय में तय किया कि उनको पहले अपने गाँव बुलाऊंगा, और मुझे पूरा था ऐसा लग रहा था कि गांव बुलाऊंगा तो गांव के आने के बाद फिर दोबारा आएंगे नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो वो आकर के गांव आए, गांव आने के बाद फिर गांव में पहुंचे, गांव में रुके भी, शाम को रुके इनके परिवार के लोग भी, तो फिर बातचीत हुई, और बातचीत के बाद कहा कि भैया हम आपको बताते हैं, फिर जाकर के आगे ये विषय बिल्कुल जो जिस तरह से होता है हमारे शादी के इस बात को लेकर के उस तरह से चीज़ें आगे बड़ी गंभीरता उसने ली, और उसके बाद फिर शादी का वो हुआ और मंदिर में शादी किया हमने, मंडी में। इन सब बातों से 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं जी, कि आप सच बोलने में बहुत विश्वास रखते हैं जी, कि अगर भावी
धर्मपत्नी के परिवार को बोलना भी मेरे जगह देख लो, मैं जिस हालात में रहता हूँ, ये तो बहुत प्रशंसनीय है और बहुत ही सराहनीय है बात है। दूसरा, आप आज इस बारे में हंस के बात करते हो, और सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो पीड़ा के दिन है, जो तकलीफ के दिन है, उसको अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर से देखें तो मुझे लगता है कि वो आदमी में बहुत शक्ति है। तो ये मैं इस बारे में आपकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। फिर आपने पहला इलेक्शन जीत लिया 1998 में जी। बड़े पैमाने से जीता था या? अच्छे मार्जिन से जीता। अच्छा। जब आपको चीफ मिनिस्टरशिप का ऑफर दिया गया था आपकी पार्टी की तरफ से, डिड यू एक्सपेक्ट दैट? देखिए, ये बहुत दिलचस्प बात है। ये वैसे बातें तो ऐसी है कि भी जो कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब पिछला इतिहास अगर हम सारी चीज़ों को लेकर के हम कह रहे हैं तो कुछ बातों का जिक्र मैं कर सकता हूँ उनमें से। जी, एक घटना हुई कि मेरा अच्छा कैंपेन चलाया हुआ था और मेरा जीतने का लगभग ठीक था, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। पार्टी ने तय किया था कि अब की बार सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इलेक्शन। अच्छा। दिस वॉज डिसाइडेड। ऑल ऑफ ए सडन बीच में ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई, अरुण जेटली जी यहाँ हिमाचल में आए थे, शिमला रुके, तो यहाँ की कवरेज वगैरह देखी उन्होंने कि वीरभद्र सिंह जी कैंपेन चला रहे थे कि बिना दूल्हे के बरात ऐसा करके, तो वो सारी चीज़ को लेकर के केंद्र के नेतृत्व से बात की। स्वाभाविक रूप से आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी से बात की, अमित शाह जी अध्यक्ष थे, और लोगों से बातचीत की भी हमको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल का इनका अमित शाह जी का कार्यक्रम बना, तो मुझे पार्टी के दफ्तर से फोन आया। मैं पहाड़ पे चढ़ रहा था, सांस भी फूली हुई थी, काफ़ी चढ़ाई थी, काफ़ी हाइट पे था मैं कैंपेन में, तो कहा कि परसों सुबह 10 बजे आपके विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह जी का कार्यक्रम, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम। मैंने कहा कि मेरी कौन सौन सी, मैं तो टूर पे हूँ, मुझे तो अभी एक दिन तो वापिस आने के लिए लगेगा जहाँ। नहीं, बोलते आप ऐसा करिए, कार्यक्रम की ऐसी जानकारी आई। तो राजगढ़ की सभा में आए अमित भाई जी एक दिन पहले, वहाँ ऑल ऑफ ए सडन जो है उनने मुख्यमंत्री की घोषणा की कि धूमल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा। तो ये थोड़ा एक बिल्कुल मतलब एक सरप्राइज था ये हमारे पार्टी के अंदर भी और सारे पब्लिक में कि भी। और पब्लिक में बोला? हाँ, पब्लिक जनसभा में बोला। और किसका नाम अनाउंस किया? धूमल जी का। धूमल जी का। अच्छा। नाम अनाउंस किया। तो ऐसे में कहते हुए वो निकले, और उसके बाद जब हेलीकॉप्टर में बैठे सभा अच्छी रही, फिर उसके बाद बोलते हम बाद में मिलेंगे, आपको शुभकामनाएं और आपके बारे में अच्छा सोचा है, तुम्हें अच्छा लगा कि अच्छा सोचा है तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके आपके मन में ऐसा कुछ नहीं कि चीफ मिनिस्टर, लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टर के, लेकिन मुझे धीरे धीरे ऐसा आभास लगा कि शायद उनको ऐसा उनके भाव से ऐसा कि आने वाले समय में जब चुनाव का परिणाम निकलेगा तो डेप्टी चीफ मिनिस्टर का विषय है, ये लोगों ने अपने आप ही बनाना शुरू कर दिया, और उसका इम्पैक्ट रहा। मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप अंदाजा लगाइए कि हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जीते हैं, हमने 17 में से 14 सीटें जीती हमने, जहाँ के कामकाज को मैं देखता था इंचार्ज के नाते, तो उसका एक इम्पैक्ट रहा कि भी मंडी से क्या, एक सेंटीमेंट भी था कि मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चीफ मिनिस्टर कोई बना नहीं था, तो ऐसे को लेकर के एक भाव लोगों के बीच में आया, तो अच्छा इसको एक माहौल पड़ा और उसका लाभ सब लोगों को भी हुआ, निश्चित रूप से हुआ। तो परिणाम निकला तो हम चुनाव जीते। तो चुनाव में फिर एक घटना ऐसी हो गई कि धूमल जी चुनाव नहीं जीत पाए। अच्छा। तो स्वाभाविक रूप से फिर नाम चलने शुरू हो गए, नाम चलने जब शुरू हो गए कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, बड़े बड़े नाम भी चले कुछ, लेकिन उस नाम में हमारा नाम भी चला था, पहले दिन से ही हमारा नाम की शुरुआत हो गई कि भाई ये नाम पर भी विचार हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, मैं मंडल के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट का यूथ का प्रेसिडेंट, स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट, देन पार्टी का प्रेसिडेंट, ये सारे दायित्व का मैंने पर काम किया है मैंने, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा था, खाका बन रहा था। तो लेकिन धूमल जी बड़े होपफुल थे कि हो सकता है उनका हो जाए, लेकिन वो सारी चीज़ों को लेकर के पार्टी हाईकमान ने विचार किया होगा
और विचार करने के बाद यही तय किया कि पार्टी के जो विधायक है उनमें से ही क्लियर किया कि पार्टी के विधायक में से ही नेता होगा। ऑब्जर्वर आए, ऑब्जर्वर ने सब लोगों से राय ली, राय लेने के बाद बातचीत करने के बाद अल्टीमेटली पिटरॉप में वहाँ मीटिंग की, विधायक दल की बैठक की, और विधायक दल की बैठक में जाने से पहले मुझे अमित भाई जी का भी फोन आया और अमित जी मोदी जी का भी फोन आया क्या, तो हम ऐसा विचार कर रहे हैं और मेरे लिए बहुत बड़ा विषय था ये, तो मैंने कहा खरा उतरने की कोशिश करेंगे उस तरह से। और फिर विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में जो हमारे सेंट्रल लीडर्स आए थे उन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि अच्छी एक राय है सब लोगों की, संगठन और विधायकों की, मेजोरिटी लोगों की राय थी कि ये होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो वो हुआ। तो एक अच्छा ये रहा कुल मिलाकर के। तो जो ग्राफ उस लड़के का जो 10 साल 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करी, उसने 1 साल 2 साल पढ़ाई नहीं की, फिर पढ़ाई की, फिर विद्यार्थी परिषद की तरफ से इलेक्शन में वोट बराबर आए, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर उसके बाद जम्मू, फिर उसके बाद लोगों की देखभाल, फिर एक इलेक्शन हारना, फिर उसके बाद विधायक बनना, फिर पार्टी प्रेसिडेंट बनना हिमाचल प्रदेश का, और उसके बाद अब आप चीफ मिनिस्टर हैं। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ है कि हिमाचल को देवभूमि कहते हैं और देवभूमि के स्वभाव के, संस्कृति के मुताबिक उसके अनुसार मैं काम करता हूँ। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो उछल कूद करते हैं, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों के साथ मिल करके उनकी बात को सुनना, उनकी बात को समझना, उसका समाधान की दृष्टि से काम करना। और खासतौर से मैं एक बात को जरूर कहना चाह रहा हूँ कि शालीनता और सहजता जो हिमाचल के लोगों के स्वभाव में है, उसके अनुरूप मैंने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की। और इसलिए हमने शुरुआत से ही, जिस दिन से मुझे ये दायित्व मिला उस दिन से हमने काम की, कुछ चीज़ों को लेकर के हमने ये की। तो बड़े दिलचस्प सुनाता हूँ मैं कि जब मेरा मुख्यमंत्री का नाम चल रहा था, कट रहा था, चल रहा था, ऐसा चल रहा था, तो कुछ लोगों ने हमको कहा कि भाई यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक बात है कि यहाँ बिना मूछ का आदमी मुख्यमंत्री बनता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, मैं मूछे रखता हूँ, छोटी छोटी रखता हूँ। तो आगे एक हमारे पंडित जी आगे है, कुछ देखो सब बाकी ठीक है लेकिन एक चीज़ है, ये आज से पहले हिमाचल प्रदेश का एक इतिहास रहा है। तो हमने उसमें देखा कि YS परमार बिना मूछ वाले थे, फिर शांता कुमार जी बिना मूछ वाले थे, रामलाल जी बिना मूछ वाले थे, वीरभद्र सिंह बिना मूछ वाले थे, धूमल जी बिना मूछ वाले, उन्हें गिनाए सारे। मैं भी सोचने लगा थोड़ी देर के लिए, मैं कही बोलते मुझे मुंडवाते बोलते। तो ये बहुत दिलचस्प बात की। आपके फेवरेट एक्टर कौन मेरे अलावा? मैं पहले क्लियर कर दूं, नहीं आप तो है ही हैं। किन की फिल्में आप ज्यादा फिल्में नहीं देखते होंगे मगर फिर भी? देखो मैं कॉलेज में कि हमको पैसे बहुत कम होते थे लेकिन फिल्म देखने के लिए मैं पैसे जरूर रख लेता था। अरे वाह क्या बात। और मंडी में 2 थिएटर होते थे जी, तो थिएटर में जो फिल्म आती थी तो मेरे को लगता कि स्टूडेंट लाइफ में शायद ही बिरले कोई ऐसी कोई फिल्म छूटी हो जो अच्छी नहीं, जैसे जिसके बारे में अच्छा नहीं था वो कोई छूटी होगी, अन्यथा एक फिल्म को 4-4 बार भी देखा है। क्या बात, खूब देखते थे फिल्म, देखते थे अच्छी। बहुत फ्रेश, आई थिंक बहुत रिफ्रेशिंग बात है कि चीफ मिनिस्टर जो है इस बारे में खुल के बात कर रहे हैं और कहते हैं मैं 4-4 बार भी फिल्में देखता हूँ। हाँ जी, एक फिल्म को 4-4 बार भी देखते थे हम। फेवरेट फिल्म आपकी जो आपको बहुत अच्छी लगी थी, कोई ऐसी है? आप सबसे पहली फिल्म मैंने देखी थी गांव में, वो पर्दे पर, रोटी कपड़ा और मकान, हाँ मनोज कुमार साहब, वो पहली बार, वो रील बार बार टूट रही थी, जोड़ रहे थे उस तरह से, उस तरह से हमारे गाँव में जा करके हम देखने के लिए बैठे थे शाम को उसको। तो अमिताभ बच्चन को मैंने बहुत पसंद किया, उनकी वो मेरे बहुत फेवरेट, यानी कि उनकी फिल्मों को हमने, अब नाम के हिसाब से तो बहुत मुश्किल, लेकिन उनके उनका बहुत ज़्यादा यानी कि रोल और सबसे बड़ी बात उनकी आवाज़ बहुत हमारे सबके इंस्पिरेशन है। और हीरोइन कौन अच्छी लगती थी?
हीरोइन तो सबसे ज्यादा तो हेमा मालिनी का था, रेखा और हेमा मालिनी, इन दो का किरदार जो होता था ना उसमें बहुत बहुत ध्यान होती। बाद में बहुत सारे नए आर्टिस्ट आए, उनके प्रति भी और सम्मान हमारा वैसे रहा। आप एक अच्छे पिता हैं या अच्छे पति हैं? ये बहुत प्रेशर है तो मुझे दोनों तरफ से कुछ अच्छा क्योंकि बच्चे यही कहते हैं कि मैंने आपके परिवार के साथ देखा, परिवार के परिवार पे काफी आपकी वाइफ बहुत अच्छी बातचीत करती हैं, बहुत अच्छा बातचीत करती हैं, आपकी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं, आपकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर हैं, बट आपके पास शायद एज ए हस्बैंड टाइम रहा होगा, बट एज ए फादर आपके पास टाइम रहता है अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने? बच्चों के साथ भी, परिवार के साथ समय बहुत कम होता है, सच कह रहा हूँ, और वो चीज़ महसूस होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बच्चों ने कभी भी इस तरह से कोई बड़ा ऐतराज़ किया, लेकिन परिवार का थोड़ा रहता है कि उम्मीद रहती है उनको कि भी हमारे लिए भी समय हो, उसमें हमेशा हमारा झगड़ा रहता है। आप बहुत परफेक्शनिस्ट मैंने सुना है, बहुत परफेक्शन, हर चीज़ कैसी होनी चाहिए। अभी भी इंटरव्यू से पहले आप कह रहे थे कि यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए था, बाहर आपके जंगले वगैरह लगे हुए हैं, आप उस पर काम देते हैं, कोई सड़क पे मतलब ऐसे लुक जाए, उस परफेक्शनिस्ट से किरण जी भी वैसी हैं, पर उन जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, बाकी लोगों को तो सिर्फ सुनना होता है ना, बिल्कुल। तो आप की नज़र हर जगह रहती है, सोफा ठीक रखा है कि नहीं रखा, छोटी छोटी चीज़ों में, तो उस परफेक्शनिस्ट होने से ये आपने कहाँ से ये ये एक बहुत बड़ा मेरे जीवन में रहा है। मैं परेशानी में, तंगी में, तकलीफ में जहाँ भी रहा, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में बहुत पर्टिकुलर, जहाँ रहता था साफ सफाई का मेरा स्वभाव रहा, साफ सुथरा रहूँ। मुझसे पहले बहुत बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े लोग का ये होता है जो बड़े नेता, मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूँ, मुख्यमंत्री हूँ लेकिन बड़े लोगों को कि उस संज्ञा में मैं अपने आप को डिफाइन नहीं करता हूँ। लेकिन कई लोग हमको सुनाते हैं कि बड़े बड़े लोग रहे यहाँ पर, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है तो बराबरी होता है, लेकिन फिर भी एक होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। मैं जीवन में महसूस करता था ये मुख्यमंत्री का निवास है, अंदर आना कम होता था, बाहरी मिलते थे, और हम यहाँ विधायक हो करके भी बाहर खड़े होकर के मिलते थे। जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक बार नहीं अनेकों बार इस बात को देखा कि जो गरीब आदमी मिलने के लिए आते हैं, ऊपर से बर्फ पड़ रही है, उसको हम खड़े होकर के यहाँ बाहर मिल रहे हैं कतार में खड़ा करके, और बारिश हो रही है तो खड़ा होकर के बाहर ही मिलते हैं। पहले जो मुख्यमंत्री उनका अनुभव अच्छा होगा किसी बारे में, लेकिन पहली चीज़ मैंने किया कि कोई भी आदमी मिलने आएगा तो मैंने अधिकारियों को कहा कि मुझे एक स्थान यहाँ पर आप तय करके दीजिए जहाँ मैं लोगों को बैठ करके मिल सकूँ, जो अपने आप बैठने का नहीं, लोग भी बैठने, उनकी व्यवस्था करो। तो मैंने सामने जो बनाया जी देखा मैंने जी, वो इसलिए बनाया, अब कोई आदमी आता है दो घंटा भी इंतज़ार करना होता है, वहाँ पर टॉयलेट है, पानी की पीने की सुविधा है, चाय पिलाते हैं, और उनके लिए बैठने का अरेंजमेंट वहां पर किया। उसको हमने संवाद सदन करके इस तरह से हमने जी जी बनाया, छोटा सा, छोटा जगह नहीं है यहाँ पर। और सचिवालय में हमने ऐसे देखा कि मुख्यमंत्री अंदर बैठक में व्यस्त हैं, चार चार घंटे से लोग कतार में खड़ते थे, वो गैलरी गैलरी जो है उस गैलरी में खड़े होते थे सड़क से होकर के, और एक बार नहीं अनेक बार मैंने देखा कि लोग खड़े खड़े गिर करके बेहोश हो गए, चार घंटे से खड़े, टॉयलेट जाने की जगह नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, ऐसे में लोग इतना लंबा इंतजार करें। और मेरे मन में यह आया कि सचिवालय में, यहाँ पर विधानसभा, तीन जगह तय किया, और तीनों जगह मैं अगर चार घंटे लेट भी आऊँ तो हमारे से मिलने वाला आदमी परेशान नहीं होता, कि वहाँ सचिवालय भी मैंने वहाँ पर भी 150-200 आदमी के लिए बैठने का इंतजाम किया, टॉयलेट बनाए, टॉयलेट बनाने के साथ उनको लिए पानी पीने की सुविधा वहाँ पर है, और यहाँ निवास पर भी, और उसके बाद जहाँ विधानसभा थी तो वहाँ पर भी यही होता था, बाहर खड़े 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 होकर के मिलते थे लोगों को। कोई कई आदमी आया, बीमार आदमी आया है, टांग टूटी हुई है, वो इस पे है, बैसाखी पर है, वो कितने देर तक खड़ा रहेगा? ये भाव क्यों नहीं आया आज से पहले मुख्यमंत्री को? अपने आप तो हम आराम से रह रहे हैं जी, लेकिन दूसरे आदमी के बारे में सोचना चाहिए, संवेदना का विषय था।
और यहाँ तक नहीं, मैंने सभी जिला के मुख्यालय में जो सर्किट हाउस है उसमें लोगों को बैठने के लिए स्थान के लिए ये किया, अधिकांश जगह बन गए, लोग आते हैं बैठते हैं, हम आते हैं मिलते हैं, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे होंगे, बैठ करके उनसे बात करेंगे। तो ये एक इस तरह से एक सिस्टम एक डेवलप करना। तो ये सेंसिटिविटी आप जिंदा कैसे रखते हैं? ये सबसे बड़ी बात कि हम खुद इस बात, मैंने कहा ना कि हम यहाँ मुख्यमंत्री को कई बार कतार में खड़े होकर के मिले हैं, यहाँ बाहर मिलते थे। नहीं, मैं वही कह रहा था, उस वक्त लगता था हमको कि हमारे सामने ऐसा भी आदमी है जो खड़ा भी नहीं हो सकता है, सहारे से खड़ा करके रखा है। कई आदमी हॉस्पिटल से बीमार होकर के, यहाँ तक ऐसी स्थिति होती है, यहाँ हॉस्पिटल IGMC से कोई जो है वो जो यूरिन के लिए जो बैग लगा हुआ है उस बैग के साथ आता है, उसको बेचारे को जरूरत इलाज के लिए पैसे की होती है। तो ऐसे में हमने ये सारी चीज को इस तरह से देखा। और दूसरी बात, थोड़ा डिसिप्लिन होकर के रहना, ये अपने स्वभाव है, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ये सारी चीज को लेकर के प्रयत्न करता हूँ मैं। वही मैंने कहा ना कि आप में धैर्य बहुत है, सेंसिटिविटी। हालांकि पॉलिटिशियन कहते हैं कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा अपने आप को यू हैव टू बी लिटिल थिक स्किन्ड। आपके घर में गौशाला भी है, आपके घर में छोटा सा गार्डन भी है जहाँ पर सब्जी वगैरह, आपके आपके दो पेट्स भी हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें आपको सेंसिटिव बना के रखती हैं, जो आप दूसरे इंसान का दर्द भी समझते हैं। आपको गुस्सा किस बात पे आता है? गुस्सा वैसे कोशिश करते हुए कम आए, लेकिन कई बार कोई आदमी बिल्कुल एक्सट्रीम सारी चीज़ों को गलत तरीके से ही एक्सपेक्ट करे, गलत तरीके से ही अपना ये करने लग जाए, तो थोड़ा मैं बोल देता हूँ, थोड़ा बोलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं रियलाइज करता हूँ कि मैंने गलत बोला कई बार, तो लेकिन ज्यादा गुस्सा नहीं करता, कोशिश करता। सैडनेस महसूस होती है कभी? हाँ, होता है सैडनेस। देखिए, एक चीज को लेकर के कई बार सारे दिन भर की कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसमें किसी आदमी की मदद के लिए हम सोचते हैं कि मदद इसकी होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, लेकिन मदद करने की स्थिति नहीं बन पाती है। जैसे कोई लेडी आ जाती है, उसका पति नहीं रहा है, विडो हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए उनको वो कहती है कि भाई हमारे लिए ये व्यवस्था कर दो, हमारे लिए बच्चों के पढ़ाने के लिए मदद कर दो, हमारे लिए कुछ काम दे दो, हमारे लिए नौकरी दे दो, नौकरी के लिए ज़्यादा बोलते हैं, नौकरी दे दो ताकि हम बच्चों को पढ़ा सकें। तो बहुत पीड़ा होती है, तो नौकरी देना बहुत मुश्किल काम आज की तारीख में, देना संभव ही नहीं है, सीधा देना एक दौर था, फिर बोल देते थे इसको लगा दो, डेली बेसिस पर लगा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, अब तो कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसा नियम के मुताबिक ही होगा। तो उसको मदद का रास्ता क्या करता हूँ, फिर मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, आप ऐसे करो, आप बैठो, आप एप्लीकेशन लिखो और जिसमें आप कहो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ी सी मदद कर दो, तो मैं CM रिलीफ फंड से मदद कर देता हूँ। हाउ डू यू रिलैक्स? रिलैक्स जब काम करने के बाद एक संतोष का भाव होता कि जो मैंने आज के 8 काम 4 काम जो तय किया थे वो काम पूरे हो गए, उसके बाद वो काम हो गए तो स्वाभाविक रूप से एक संतोष का भाव होता है, तो आराम से सोते हैं। फिर आप व्यायाम वगैरह फिट लगते हैं? आप क्या करते हैं, योगा करते हैं आपके यहाँ? मैं क्या करते हैं आप? वैसे तो पहले क्या होता था कि मेरी कॉन्स्टेंसी ऐसी थी उसमें चलना ही पड़ता था, तो चल कर के जाते थे, हम टूर पे जाते थे, एक एक हफ्ते का टूर होता था, पैदल टूर होता था, 5 दिन का 7 दिन का 4 दिन का 6 दिन का ऐसा टूर होता था, और उसमें पहाड़ चढ़ना उतरना तो व्यायाम की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उससे ही हो जाता था चढ़ने उतरने से। लेकिन अब क्योंकि इस जिम्मेवारी पर आया हूँ तो उसके बाद फिर थोड़ा सा वो उस तरह का प्रवास तो अब हो नहीं पाता है, अब एक सिस्टम में रह करके काम करना होता है, तो पहले तो नहीं था, अभी कुछ महीने से मैंने थोड़ी सी शुरू की है थोड़ा योगा, क्योंकि बीच में बीमार हो गया था तो मुझे कहा गया कि कुछ चीज़ों को आप थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तो उसके लिए योगा और थोड़ा ये करना, उससे काफ़ी सुधार हुआ है। मेरे आखिरी दो सवाल, पहला सवाल ये कि आपको गाने का शौक है? गाने का शौक तो है लेकिन गला नहीं है इस तरह के कि वो गाया जा सके और सुनाया जा सके, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं पुराने गीत को बहुत पसंद करता हूँ, और हमारे उस दौर में रफ़ी साहब के और किशोर कुमार के गाने बहुत बहुत पसंद रहे मुझे, बहुत पसंद रहे। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है मंजिलें और भी हैं, आपकी क्या मंजिलें और भी हैं? अब देखिए, आगे बढ़ने का तो स्वभाव मनुष्य का सदैव रहना चाहिए, लेकिन ये लालच का विषय नहीं होना चाहिए, लोभ का विषय नहीं होना चाहिए,
और कहीं तो मुझे लगता कि भाव संतोष का भी होना चाहिए। मैं काम करूं, अच्छा काम करूं, बेहतर काम जो मैं अभी कर रहा हूं उससे और बेहतर करूं, ये जीवन में सदैव रहना चाहिए, एक लक्ष्य रहना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अभी का ये जो कार्यकाल मेरा बतौर मुख्यमंत्री, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, नई स्कीम शुरू किए, नए गरीब लोगों के लिए हमने काम की शुरुआत की है, उस सारी चीज़ों का एक हट करके रहा। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि भी ठीक है, इश्यूज तो बहुत सारे होते हैं, सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, लेकिन गरीब लोगों पर फोकस होकर के मैंने काम किया है हिमाचल प्रदेश में, और गरीब के करीब रह करके काम किया है। वो एक जो काम करते हुए जो नए इनिशिएटिव लेने की बात थी, वो इनिशिएटिव हमने लिए। पहली बार मुख्यमंत्री बना, लेकिन हिमाचल के इतिहास में ऐसे इनिशिएटिव जो आज से पहले मिसिंग थे, छूटे थे, गरीब लोगों के लिए कुछ और बेहतर करना, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश में हमने की हैं। तो आने वाले समय में हम और बेहतर करें और बड़ा बनूं। मैं ऐसे मुझे लगता है कि मैं जहां पहुंचा हूं इस मुकाम पर, इससे ज़्यादा अब यहाँ प्रदेश में मुझे किसी चीज़ को लेकर के कोई ना बहुत उसकी इच्छा है और ना ही उस सारी चीज़ के लिए मुझे ये करने के लिए कोई लगती है। मेरा एक ही चीज़ को लेकर के कि मैं अच्छा करूँ, बेहतर करूँ, और आज जो किया है उससे और बेहतर करूँ, परफॉर्म करूँ, ये एक इच्छा रहती है। और स्वाभाविक रूप से ये बात ठीक है कि जो जिस तरह से आपने ये टैगलाइन दी है, मंजिलें और भी हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से सबको प्रेरणा देता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज आपको नहीं हासिल हुई हैं, तो अगर परिश्रम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप नई मंजिल को भी हासिल कर सकते हैं, बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, आपको जीवन में अवसर मिलेंगे और उन अवसरों का आप लाभ तभी ले सकते हैं जब आप उसके लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।